कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अभी वो आने वाला है सर। क्या किया उसने सर? उसने चोरी की सर। वो अभी आने वाला है सर। एक काम करो, आप उसको रेस्ट कर लो सर। इंडिया के दुश्मन मेरे दुश्मन सर। मैं आपकी हेल्प करूंगी सर। मैं देश की बेटी हूँ सर। देश की बेटी है भैया। जिन्होंने सूर्यवंशी देखी है वो तो पहचान गए होंगे इनको, और जिन्होंने सूर्यवंशी नहीं देखी है वो पहचान जाएंगे। उन्हें ये खुद बता देंगी कि भाई ये सूर्यवंशी में क्या कर रही है और कैसे सोफिया खान देश की बेटी बनी। सोफिया खान से देश की बेटी, मुझे एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे आइडिया नहीं था कि जो डायलॉग मैं देने वाली हूँ, जो डायलॉग डिलीवरी मैंने किया है, वो लोगों को इतना कैच करेगा कि लोग मुझे देश की बेटी बुलाने लगेंगे। जब मैंने खुद की पिक्चर, जब मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गई थी, देखने के आने के बाद भी मेरे को आइडिया नहीं था कि अच्छा देश की बेटी से मैं, मतलब लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे टैग करेंगे, ये सपने भी नहीं सोच सकती थी मैं। सो जब मैं घर पे आई पहले फर्स्ट शो के बाद, सडनली मुझे डीएम्स आने लग गए देश की बेटी, सडनली लोग मुझे स्टोरीज पे टैग करने लग गए। मैं अपनी मॉम को कॉल कर रही हूँ, मम्मी ये देखो क्या हो रहा है। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द ऑडियंस जिन्होंने मुझे इतना ह्यूज ह्यूज बड़ा नाम दिया है। आई होप ये नाम को मैं प्राउड फील कर रहा हूँ और आई वोंट लेट डाउन एनीबॉडी बिकॉज दिस इज अ वेरी, इट्स एन ऑनर फॉर मी नोइंग पीपल कॉलिंग मी देश की बेटी। इट्स एन ऑनर। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मम्मी मैं मशहूर हो गई, फिर मम्मी कह रही है अच्छा अभी तक तो मेरी बेटी थी, अब देश की बेटी बन गई है। My mother uploaded one picture also on Instagram saying मेरी बेटी देश की बेटी। She got so happy. मतलब I think मेरी माँ की दुआ है, उन्होंने वो मुझसे ज्यादा वेट किए मूवी रिलीज होने के लिए, 2 साल पेशेंटली, और ये उनकी वजह से आज जो भी हूँ मैं, आज उन्हीं की दुआ है। लेकिन देश की बेटी से एक शिकायत है, मतलब बॉयफ्रेंड को एकदम छोड़ दिया जैसे सूर्यवंशी सामने आया, सर ले जाओ इसको मैं तो देश की बेटी हूँ। मैं बहुत एंजॉय की वो सीन करने के लिए, जब वो जो लास्ट का सीन था अक्षय सर के साथ, आई वाज एंजॉयिंग इट। सर इस कमीने लेक्चर को छोड़ना मत, चमड़ी उधेड़ देना, मैंने उतना वो वर्ड बोलते थे, मैंने इतना एंजॉय किया है ना, बहुत मजा आया मुझे शूट करने ये पूरा ऑडियंस जो थी वो एकदम खिलखिला के हंस रहे थे सब लोग कि भाई क्या सीन है जी। तो सूफिया ये भी बता दीजिए कि ये फिल्म जो है मिली कैसे और सूफिया खान जो है देश की बेटी कैसे बनी, क्या ऑडिशन दिया, किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर रहा? 2019 से एक्टिंग स्टार्ट की हूं फेब्रुअरी से, और जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे गौरव शाह, उन्होंने मुझे मेरा पहला ऐड दिया था, मतलब मैंने जब ऑडिशन देके सिलेक्ट हो गई थी तो उन्हीं के यहाँ ऑडिशन चल रहा था, और मैंने उनके वहाँ ऑडिशन दिया और मुझे सूर्यवंशी, रोहित सर को मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, मुझे सूर्यवंशी मिल गए। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि इतने कम टाइम में लोग, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरा स्ट्रगल कंपेयर टू दूसरे लोगों से बहुत ही कम था, इसकी बात का मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि लोगों को ये ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। रोहित शेट्टी सर जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, ये अपॉर्चुनिटी, आई वॉज ब्लेस्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड अभी जो ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है इसकी भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ये एक सपना है जो सच हो गया मेरा। मुझे अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है, मैं कैसे बताऊं, ऐसा लग रहा है कि यार मैं रोहित शेट्टी की मूवी में थी, मैंने अक्षय कुमार के साथ काम किया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। और इतने ब्यूटीफुल लोग हैं, इतने अच्छे से मुझे इज्जत मिली है, ट्रीटमेंट मिली है, मतलब मुझे और मेहनत करनी है, अब मुझे और अपने मेरी एक्टिंग एबिलिटी को दिखाना है लोगों को, क्योंकि लोगों ने मुझे इतने ब्यूटीफुली तरीके से वेलकम किया है एज एन एक्टर, कि मैं चाहूंगी कि मैं और मेहनत करूँ और लोग मुझे अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम यही एज एन एक्टर, यही तो मेरा काम है, अगर लोग मेरे को पसंद नहीं करेंगे तो फिर मैं एंटरटेनर कैसे अपने आप को, मतलब प्रूव कर पाऊंगी लोगों को। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के आगे मैं बहुत काम करूं और
सूर्यवंशी के बाकी एक्टर्स को भी आपसे जलन होगी कि मतलब जो आपके वाला सीन था उसी में सूर्यवंशी विदेश जाता है, वैसे मुंबई विदेश जाना होता है, मतलब आप लोगों के मजे हो गए कि फॉरेन में भी शूटिंग करने को मिली सूर्यवंशी और आप ही दोनों थे देश की बेटी का बॉयफ्रेंड। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरा पहली मूवी, पहला डायलॉग डिलीवरी सीन, पहले लेजेंड एक्टर अक्षय कुमार सर के साथ, वो मेरे सामने, मैं उनके सामने डायलॉग दे रही हूँ, और ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। मतलब मैं ये सब इस पूरी फिल्म में ना सब कुछ मेरा पहला है, माय फर्स्ट डायरेक्टर, माय फर्स्ट एक्टर, माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, माय फर्स्ट डायलॉग, माय फर्स्ट फिल्म। सो इट वाज सो स्पेशल टू मी, जब मैं यहाँ बॉम्बे से बैंकॉक जा रही थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं इतनी एंजाइटी थी मेरे अंदर, मैं इतनी डरी हुई थी, बट पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सूर्यवंशी की जो वन ऑफ द राइटर्स है विधि, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरी फ्लाइट शाम की थी, उन्होंने मुझे दोपहर में मिलके समझाया सीन अच्छे से, कैसा आपको डायलॉग देना है। एक्चुअली उन्हीं के, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे समझाया, इसीलिए मैं लिली का किरदार इतने अच्छे से निभा पाई। भले लिली का किरदार बहुत छोटा है, बट वो जिस तरीके से मुझे वो डायलॉग देना था, मेरे एक्सप्रेशन, विधि का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लिटरली उसने टाइम निकाल के मुझसे मिली मेरे फ्लाइट से पहले और मुझे समझाया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि आज लोग लिली को बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत अप्रिसिएशंस आ रहे हैं सबके तरफ से। एक चीज और बताइए, अक्षय कुमार के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या नर्वस थी, मजा आया, क्या वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि अक्षय कुमार के साथ पहली फिल्म में बहुत मैं बहुत डरी हुई भी थी कि शिट, मैं लेजेंड अक्षय कुमार के सामने, तोफिया खान जो नोवेयर है, ठीक है, उसका पहली बार आई है कोई मूवी करने, कैसे, हाउ डू आई कंडक्ट माय सेल्फ, हर एक को होता है ना, मतलब एज अ कॉमनर आई हैड दिस कि हाउ मैं, आई होप आई डोंट फंबल, आई होप सर के सामने मैं 10 टेक ना दूं, मतलब वो सीन मैं फंबल ना करूं। जब सर मेरे सामने आया ना, मैं ऐसी थी, मैं सेट को देख के ऐसी थी, मैं रोहित सर को देख के ऐसी थी, मतलब मेरे को आई कुडंट बिलीव, यू नो, एवरीवेयर इट वाज ऑस्टक फॉर मी, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। और मैं वाज जस्ट थैंकफुल टू गॉड के भगवान जी, अल्लाह, थैंक यू सो मच कि मेरे को, आई वाज केपेबल ऑफ कमिंग हियर टू बैंकॉक टू डूइंग शूटिंग। एंड व्हेन अक्षय सर सीन से पहले मैंने अक्षय सर को बोल दिया था, सर ये मेरा पहला डायलॉग सीन है और मैं मतलब फंबल करूंगी तो आई एम सॉरी सर, तो बट सर ने कहा कि यू नो यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट कंसिडरिंग योर फर्स्ट फिल्म, तो जाके जान में जान आई और मेरा टेक हुआ। और जब टेक हुआ भी ना, जब रोहित सर ने कहा कि ओके, आई वाज लाइक हो गया सर, आई मीन इट हैपेंड, यकीन नहीं हो रहा था मुझे। मैं वापस आने के बाद भी सूर्यवंशी के लिए इतना इंतजार की हूँ मैंने, मतलब ये मेरा इट्स आई कांट एक्सप्लेन सर, ये सपना है जो सच हो गया। अक्षय कुमार से और क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, क्योंकि जाहिर है फॉरेन ट्रिप था। ज्यादा मेरी बात नहीं हुई है, बस सर से एक फोटो क्लिक करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू, सर हंस के बोले यार प्लीज कम। ज्यादा मैंने इंटरैक्ट नहीं किया क्योंकि मैं खुद डरी हुई थी वहां पे, और ऑनेस्टली मुझे एक था कि मैं क्या बात करूं, मतलब सर एक रिस्पेक्ट है ना, सीनियर एक्टर है, डर भी लगता है कि अब मैं क्या बोलूं सर को, मतलब कुछ, मैं एक तो बहुत नर्वस थी पूरे। लेकिन मैंने सुना दिल्ली में जो, सॉरी मुंबई में जो वो शूट कर रहे थे, तो अपनी जो को एक्ट्रेसेस थी जो पुलिस वालों के किरदार में, तो उनके साथ लूडो भी खेला करते थे कि बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं अपने को एक्ट्रेस को। सर ने मुझे जब मेरा सीन हुआ सर के साथ, उस वक्त आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल डूइंग माय सीन विद, बट मेरे और अक्षय सर के सारे सीन्स बहुत जल्दी जल्दी हुए, मतलब हमारे सीन्स बहुत, इट डिडंट टेक अस लॉट ऑफ टाइम, तो मुझे वो सिंक इन भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो लिली वाला सीन था वो एक या दो टेक में हो गया था, सारी टेक्स हमारे एक दो टेक में हो जा रहे थे, मतलब ऐसा लंबा कुछ जा नहीं रहा था कि शूटिंग वेट कर रही है, रुकना है, तो बहुत जल्दी हमारा सीन हो गया, बस उतनी ही बात हुई और ज्यादा मेरी कोई सर से बात नहीं। कोई सीक्रेट अक्षय कुमार का नहीं पता लगा आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं।
अच्छा अपना सीक्रेट बताइए कि मतलब आपने बताया मम्मी तो बड़ी खुश हो गई, बाकी क्या कुछ कुछ प्रपोजल प्रपोजल आए आपको, मतलब कि भाई इस फिल्म के बाद कि हीरोइन बन गई हैं और लड़के जो हैं एकदम लव लेटर्स भेज रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? कहाँ, नहीं, फिलहाल मैं अपने करियर को डेट करना चाहती हूँ और मैं अपने करियर के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे नहीं, आप तो चाहती हैं लेकिन बाहर तो लोग आपको चाह रहे होंगे ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा है, मतलब चाहने दीजिए, यही तो हमें क्या बोलो वो दूर अच्छा। से ही चाहे, मुझे अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा किस तरह से सोफिया शुरुआत की आपने, मतलब बचपन से सोचा था कि एक्ट्रेस ही बनना है या कुछ और बनना था और फिर यहाँ आ गई बाई चांस, किस तरह की जर्नी रही उसके बारे में भी जरा बताइए, देश की बेटी के बारे में जानना चाहता है देश। मैं बॉम्बे से ही हूँ और मैं फैशन स्टाइलिस्ट थी पहले, 2019 तक मैंने स्टाइलिंग की। एक्चुअली सूर्यवंशी के शूट के बाद भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वो मेरा लास्ट स्टाइलिंग प्रोजेक्ट था, उसके बाद मैंने फिर कभी, मुझे फिर एक्टिंग पूरी तरीके से ही करनी थी। मैं पहले से तो एक्टर नहीं बनना चाहती थी, ये थ्रू टाइम हुआ है। मैं यू नो कैमरा के पीछे देखती थी तो थोड़ा पसंद आने लग गया, और जब मुझे मेरा पहला ऑडिशन के लिए जब मैं गई थी और मुझे पहला एड मिल गया मेरे पहले ऑडिशन में, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा उसी की वजह से बढ़ा कि चलो अगर ये मिल गया तो कोशिश क्यों ना, मतलब कोशिश में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कोशिश किया और आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि 2 महीने के अंदर मुझे सूर्यवंशी मिल गई एंड आई वेंट टू बैंकॉक टू शूट फॉर द फिल्म। तो इट वाज लाइक थ्रू टाइम, नथिंग के मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, मेरी मम्मी का सपना था लेकिन क्योंकि वो, उनको एक्टर बनना था, वो नहीं बन पाई तो मेरी बेटी एक्टर बन गई है, शी इज वेरी हैप्पी एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट्स टू माय मदर टुडे वेयर एवर आई एम, इट्स हर दुआ, उनकी दुआ और प्रेयर्स का नतीजा है कि आज मैं यहां पे हूं। अब एक्टर ही नहीं बनी, देश की बेटी बन गई है, मतलब अब तो देश की बेटी नाम लेते ही जो है आपका जिक्र जो है वो निकल करके सामने आ जाता है। तो सोफिया विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और उम्मीद करते हैं आगे फिर आपसे बातचीत करेंगे, खूब सारा काम करें आप, खूब अच्छे से जो है लोगों को एंटरटेन करते रहें और देश की बेटी बनकर जो है वो छाई रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एंड आई होप यू लाइक माई परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस, थैंक यू। ABP News, आपको रखे आगे।